और 10वीं। शिक्षा नीति के तहत 2 साल का सम्मिलित कोर्स है और ऐसे ही 11वीं और 12वीं 2 साल का सम्मिलित कोर्स है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले भी ऐसे प्रावधान CBSE बोर्ड में है कि आपने जहाँ से 9th की वहीं से आप 10th करेंगे और जहाँ से 11th की वहाँ से 12th करेंगे, और इसको CBSE ने लागू किया हुआ है। और अगर इन्हीं कारणों से बच्चे को विद्यालय बदलना हो तो बदल सकता है। हमने पिछले बार देखा कि 867 मामले फर्जी SLCs के पकड़े गए थे और नियमों के तहत हर विद्यालय में कम से कम 1 लाख रुपए का दंड भी लगाया गया था और कम से कम 6000 बच्चों का जो है परिणाम रोका गया। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया कि हम जो भी विद्यालय बदलना चाहेगा या डायरेक्ट एडमिशन लेगा 10वीं 12वीं में, उसको बोर्ड से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और एक बड़ी समस्या और आ रही थी कि जैसे किसी विद्यालय ने बच्चे ने पिछला स्कूल छोड़ा और नए दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया 10वीं या 12वीं में, तो पिछला स्कूल उसको रिलीव नहीं कर रहा था और नए स्कूल में उस बच्चे को एडमिट करने में दिक्कत आ रही थी। तो आपस में पिछले साल जैसे ही अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय थे उनको विशेष तौर पर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन और सिस्टम हमारे पास पाइलअप हो गया कि हम उन बच्चों को कैसे पिछले स्कूल से रिन्यू करवाएं और अगले स्कूल में उनका दाखिला करवाएं या उनको रजिस्टर करें नए स्कूल से। तो इन सबको देखते हुए, नियमों को देखते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए, पुरानी 2 साल का ये सम्मिलित कोर्स को देखते हुए, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए और एक डिसिप्लिन और सिस्टम कायम करने के लिए CBSE की तर्ज पर हमने डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्रूवल का प्रावधान किया है। उसके लिए फर्जी SLC नहीं दे पाएंगे क्योंकि विशेष तौर पर जो दूसरे राज्यों से हमारे पास आ रहे हैं बच्चे, और वो बच्चे जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल के हरियाणा बोर्ड में ही शिफ्ट हो रहे हैं, उनको भी एक अनुसार से ढंग से पहले अप्रूवल मिल जाएगी, पिछला स्कूल से वो रिलीव हो जाएगा, नए स्कूल में जिसमें उसने 12वीं या 10वीं में दाखिला दिया है उस स्कूल में वो ऑटोमेटिकली एडमिट हो जाएगा। हमारे अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल सुचारू ढंग से अपडेट हो जाएंगे, एक डिसिप्लिन कायम होगा, एक सिस्टम कायम होगा। इसी वर्ष से जो है ये, हाँ जी बिल्कुल, इसी सेशन से इसको लागू किया गया है और पहले हफ्ते में ही हमने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था।